के पास भी ऑटोमेटिक कार है, तो आप ये अपने कार के साथ बिल्कुल भी मत करना। मैं बताता हूँ आपको, देखो मेरी कार फर्स्ट गियर में जो है यहाँ पे एंगेज है, मैंने सिर्फ डी मोड पे यहाँ पे कार एंगेज की हुई है और कार मेरी जो है 13 की स्पीड पे यहाँ पे आराम से जो है क्रॉल कर रही है फर्स्ट गियर में। पर जब कभी भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हो ना, तो वहाँ पे 60 सेकंड होता है, 90 सेकंड होता है, तो आप क्या करते हो कि कंटिन्यूअसली अपनी कार जो है डी पर ही रखते हो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपना जो ब्रेक है उसे भी प्रेस करके रखते हो। देखो डी मोड में कार जो है सामने बढ़ना चाहती है और आपने कंटिन्यूअसली ब्रेक प्रेस करके रखा है, तो ये एक ट्रांसमिशन के ऊपर एक लोड सा पड़ता है, तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसमिशन या फिर गियरबॉक्स जो भी है वो लंबे समय में खराब हो सकता है।